पत्र की मुरली में बाबा ने कहा, बिहार के दो बाप हैं, एक शिव बाबा, दूसरा प्रजापिता। तो माँ की दो, एक शिव बाबा, दूसरा प्रजापिता। शिव बाबा तो बंटाई सब है, जब प्रजापिता में प्रवेश करते हैं इसलिए शिव बाबा को प्रजापिता से अलग नहीं कर सकते, शिव बाप कह सकते हैं। मेरी दीदी का नाम ही शिव है, वो कभी बदलता नहीं। जब शरीर में प्रवेश करते हैं तो नाम बदल जाता है। तो शिव बाप वो है बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप और प्रजापिता वो है मनुष्य शक्ति का बाप। जो भी मनुष्य मात्र है सबका पिता, सबको जन्म देने वाला, उसको जन्म देने वाला कोई भी साकार में पिता नहीं होता। एक आत्माओं का बाप और दूसरा मनुष्यों का बाप। माँ भी बोली, एक छोटी माँ एक बड़ी माँ। जैसे राजगद्दियां चली है हिस्ट्री में, तो राजा की गद्दी के साथ दाएं हाथ में राजमाता भी बैठती थी। राज माता है बड़ी माता और राज लक्ष्मी है छोटी माता। ऐसे ही ब्राह्मणों की दुनिया में हमारी बड़ी माँ है ब्रह्मा। इसलिए उन्होंने बोला है ये ब्रह्मा ही तुम्हारी जगदम्बा है, परंतु सन पुरुष का है इसलिए माताओं कन्याओं के चार्ज में इनको कैसे रखा जाए। तो सरस्वती ओम राधे को निमित्त बनाया गया, तो वो ओम छोड़ी मम्मा। ये दोनों जब शरीर छोड़ते हैं तो यज्ञ के आज में जो दो माताएं थी वो ही शरीर छोड़ने के बाद एडवांस पार्टी में छोटी माता और बड़ी माता के रूप में प्रत्यक्ष होती है। बड़ी माता है जगदम्बा और छोटी माता है वैष्णवी देवी। गीता माता सबसे पहले उसमें सुप्रीम सोल शिव सुप्रीम सोल प्रवेश करते हैं आंशिक रूप में। कोई भी बच्चा की पैदाइश होती है, कोई भी रचना रूपी बच्चा रचा जाता है या बच्ची रची जाती है तो माँ और बाप दोनों का समान योग होता है। ये नहीं कह सकते कि माँ पहले कि बाप पहले, वो तो ठीक है। ऐसे ही यज्ञ के याद में सुप्रीम सोल शिव ने जब प्रवेश किया तो एक में प्रवेश किया सुनने और सुनाने के लिए, तत्क्षण उसी क्षण दूसरे में प्रवेश किया समझने और समझाने के लिए। एक ने सुनाया और सुना और दूसरे ने सुनने के साथ ही साथ समझा और सुनाया और सुनाया समझाया। बाबू उनका तो उस वक्त 83वां जन्म हुआ ना, फिर एक जन्म बाद में लिया उन्होंने। हाँ जी, तो मुरली में ऐसे आया कि 83 जन्मों के बाद ही शिव सौर सुप्रीम सौर प्रवेश करते हैं, तो ये 83 जन्मों के बाद कैसे प्रवेश करते हैं? किसमें? उन दोनों में, मात पिता में, आदि माता आदि पिता। जिसे पिता कहा जाता है वो तो 84वां जन्म था, लेकिन वो 84वां जन्म जो है वो 76 में पूरा होता है। अच्छा, दूसरा जन्म लेने के बाद
84 का जन्म पूरा हुआ और उस आत्मा के लिए अमर लोक शुरू हो गया। मन बुद्धि की स्टेज के आधार पर वो कभी ज्ञान में मरने वाला नहीं है। और दूसरी आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आती है, अनिश्चय बुद्धि रूपी मृत्यु और निश्चय रूपी जन्म। ये जन्म मरण का चक्र दूसरी आत्माओं का चलता रहता है, लेकिन उसके लिए जैसे कि अमरलोक की आरंभ हो जाता है संचय करके। और दादाजी महाराज ब्रह्मा जी सोन भी 87 के बाद मृत्युलोक छोड़ देती है, उनकी भी अमरलोक की शुरुआत हो जाती है। जो पीपल के पत्ते पर कृष्ण बच्चा दिखाया जाता है कि बड़े आराम से चलता है, पीपल का पत्ता जिसे सारे रूपी संसार में पड़ा हुआ है। और बच्चा अगर महल में आराम से अपनी स्मृति का ऊंचा चूसते हुए बैठा हुआ दिखाई देता है तो कोई तकलीफ नहीं। वो बाप का पार्ट, वो बच्चे का पार्ट, दोनों ही का अमर रूप शुरू हो जाता है। ब्रह्मा 5 दिखाई जाते हैं, 5 मुख वाला ब्रह्मा, चतुर्वानन पंचांग ब्रह्मा को कहा जाता है। उनमें ये 2 ब्रह्मा के रूप में मुख्य पार्ट रहते हैं, राम और कृष्ण की आत्मा। ये नंबर वार ब्रह्मा सूर्य विष्णु बनने वाले। आदि सनातन धर्म की बाबा हमें 4 लाख आत्माएं तो शरीर से जाएंगी, अरे 4 लाख आत्माएं तो शरीर से जाएंगी, इसी शरीर से। तो जो 4.5 उनके आगे पैदा होंगी वो तो माँ के गर्भ से होंगी ना, प्रवेश तो नहीं होगा उनका। अभी प्रवेश होता है बुद्ध रूपी पेट में, अभी संगम में बुद्ध रूपी पेट में प्रवेश होता है, और सत्युग में स्थूल कोट पेट से उनका जन्म होता है। स्थूल पेट से, स्थूल पेट में उनका प्रवेश होता है, जन्म होता है। बाबा गीता माता जब संपूर्ण खंडित हो जाती है तो फिर जब उसकी बुद्धि में ये निश्चय हो जाता है कि गीता पति श्री कृष्ण नहीं, तो फिर उसको कैसे पावन माना जाता है? कौन मान रहा है पावन? अब तो नहीं मान रहा है, लेकिन बाद में उसको तो पावन माना जाता है। बाद में जब पावन माना जाएगा तो जरूर कोई गीता है जो निमित्त बनती है शिव की गीता के रूप में, जिसके रंगमंच पर पहुंचने मात्र से भी ब्रह्मा तो 1 सेकंड में विष्णु बन जाता है। अभी ब्रह्मा की स्वयं जगदम्बा में प्रवेश कर रही है, प्रवेश होने पर भी वो ब्रह्मा से विष्णु नहीं बन रहा है, लेकिन कोई माता और भी है वो जब एडवांस के रंगमंच पर आती है तो 1 सेकंड में ब्रह्मा से विष्णु बन जाता है। 2 माताएं थी अभी तैयार है, 1 के ऊपर कृष्ण की छाप और दूसरी माता के ऊपर राम बाप की छाप थी। वो राम बाप है, इसी में से बाप प्रत्यक्ष होता है। वो माता जब एडवांस के रंगमंच पर प्रत्यक्ष होती है किसी के लिए पहली अवगत कराने में बोला गया है भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। तो भारत माता है, जगत माता नहीं है। जगत माता जब कहा जाता है तो उनकी भी माता है जो असुर है, राक्षस है, राक्षसी बच्चों को भी गोद में शांति है। और भारत माता वो विष्णु का रूप है, वैसे भी शक्ति गाई हुई है, वैसे भी देवी कही जाती है। विष्णु के लिए कहते हैं कि उन्होंने देवताओं को ही तरजीह दी है, बढ़ावा दिया है, राक्षसों को कभी बढ़ावा नहीं दिया है।
बल है। उस भारत माता के लिए मुरली में बोला गया है कि मिस इंडिया टाइटल लेते हैं तो मिस इंडिया को तो इंडिया की सेवा करनी चाहिए, विदेशों में धक्के क्यों खाती है? उस वाक्य से ही साबित हो जाता है कि अंतिम जन्म में ठेठ विदेशियों की सेवा के लिए उस माता को विदेश में जाना पड़ता है। है भारत माता लेकिन विदेशियों की सेवा के लिए उसे निमित्त बनना पड़ता है। वो जब भारत में आती है तो सब झगड़ों का इंड हो जाता है, इसलिए नाम पड़ता है मिस इंडिया। इंड माने अंत, आ माने आ जाता है, इसलिए अभ्यक्तवाणी में बोला हुआ है विजयमाला का आवाहन करो। विजयमाला का आवाहन करेंगे तो सब समस्याओं का हल हो जाएगा। विजयमाला का आवाहन करना माने विजयमाला की हेड का आवाहन करना। मुरली में बोला है शहद की मक्खियों की एक रानी निकलती है तो सारा का सारा झाड़ उसके पीछे जाता है। अभी तो एक एक करके सरेंडर हो रहे हैं धीरे 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 धीरे, लेकिन वो प्योरिटी की यूनिटी बनाने वाली ऐसी शक्ति है कि जब निकलती है मैदान में तो बहुत जल्दी प्रत्यक्षता होती है। प्योरिटी नहीं तो यूनिटी नहीं, प्योरिटी है तो यूनिटी बन जाती है। और बाबा वो माता जब विदेश सेवा में जाती है घोड़ा तो मन की मौज है, मन को घोड़ा कहा जाता है, मन रूपी ब्रह्मा कहा जाता है, और बकरी का पार्ट इसलिए कहा गया कि कोई खास बकरी है यज्ञ के अंदर मैं करने वाली, जो बड़े बड़े मेगा प्रोग्राम बना करके तीन मूर्तियों के चित्र छपा करके त्रिमूर्ति शिव बन करके बैठती है कि हमें ही त्रिमूर्ति है और अलग से कोई त्रिमूर्ति नहीं होती। वो हम बन के बैठ जाते हैं, उसके कंट्रोल में चलने वाली है वो मूर्ति, जिसे वैसे भी मूर्ति कहा जाता है। एडवांस ज्ञान मिलेगा तो गाड़ी पक्के पते पर चलेगी। नारायण है तो नारायण के साथ पुरुषार्थ करने वाली भी नारायण जैसी होनी चाहिए। नार आयन, नार माना जल, आयन माना घर। ज्ञान ही जिसका घर है, ज्ञान रूपी जल जिसका घर है, उस घर से वो कभी बाहर जाता ही नहीं। भक्ति मार्ग की बातें उसकी बुद्धि में आती ही नहीं। मनुष्य जीवन का लक्ष्य है नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना।
नारी से लक्ष्मी बनने का लक्ष्य, विजयमाला की हेड का है। जगदम्बा बनने का लक्ष्य मुरली में नहीं दिया गया है। नारी से जगदम्बा ये लक्ष्यहीनता हो गई। इसलिए जगदम्बा के लिए बोला है कि वो सब मनोकामनाओं की पूर्ति करती है और लक्ष्मी सिर्फ धन की पूर्ति करती है। उन्होंने स्थूल धन समझ लिया है लेकिन वास्तव में है ज्ञान धन की बात। लक्ष्मी इसलिए लक्ष्य को प्राप्त कर लेती है कि ईश्वर का दिया हुआ धन ही दूसरों को बांटती है। दुनियावी मान मर्तबा लेने वाली नहीं है। और जगदम्बा दुनियावी मान मर्तबा लेती है और दुनियावी मान मर्तबा संसार में बांटती भी है, सब मनोकामनाओं की पूर्ति करती है। लेकिन सब मनोकामनाएं पूर्ति करने से दुनिया का भला होगा या ईश्वर का धन देने से दुनिया का भला होगा? ईश्वर का जो दिया हुआ धन है वो महालक्ष्मी का बायां हाथ जिसे जगदम्बा कहा जाता है वो सिर्फ धारण करता है, बांटता नहीं है। और दायां हाथ जो लक्ष्मी का हाथ कहा जाता है वो धन को बांटने का निमित्त बन जाता है। कोई धन बहुत इकट्ठा कर ले लेकिन दूसरों को दान न करे तो भाग्य बनेगा या बिगड़ेगा? धन देने से ही भाग्य बनता है। धन को स्टोर करके रख लिया, प्रकांड विद्वान बन गए, श्री श्री 108 सरस्वती जगदम्बा का टाइटल ले लिया वाराणसी से, उससे कोई प्राप्ति नहीं होती है। अल्पकाल की एक जीवन की प्राप्ति ये हो सकती है कि जैसे बेसिक नॉलेज में वर्ल्ड मदर का टाइटल रखवा लिया, विदेशियों ने अखबारों में वो टाइटल छपाई दिया और थोड़े समय के लिए वाहवाही हो गई। वो तो बेसिक नॉलेज की वाहवाही थी। एडवांस पार्टी में इससे भी बड़ी वाहवाही होने वाली है जिसके लिए सिक्का कहते हैं राज करेगा खालसा। वो जगदम्बा ब्राह्मणों की सारी विश्व के अंदर जगत माता के रूप में राज्य करने के निमित्त बनेगी। ब्रह्मा कुमार कुमारियों का उतना मान मर्तबा अभी नहीं है, लिमिटेड है, क्योंकि हजारों की तादाद में ही अभी सेंटर्स खुले हैं। मुरली में तो बोला है तुम्हारे सेंटर्स लाखों की तादाद में खुल जाएंगे। तो सारे विश्व के अंदर जब लाखों की तादाद में सेंटर्स होंगे और उनका संचालन किसी माता के हाथ में होगा तो कितना ऊंचा मान मर्तबा हो जाएगा। लेकिन वो एक जन्म का मान मर्तबा है, 21 जन्म का मान मर्तबा नहीं है। इसी जन्म में मान मर्तबा मिलता है, भले लंबे समय तक भी मिल जाता है लेकिन अंत में जो रिजल्ट निकलता है वो डूबी जा हो जाती है।
जैसे बेसिक नॉलेज में 76 से जब एडवांस पार्टी निकली तो डूबी जा हो गई ना। जिनकी बुद्धि में भी एडवांस नॉलेज बैठती है उन तथाकथित देवियों का मान मर्तबा चौपट कर देते हैं ना, कि मान मर्तबा रह जाता है, डूबी जा हो जाती। ऐसे ही अंत में जब छुपा रुस्तम बाद में खुलेगा तो सारे विश्व के ऊपर कंट्रोल करने वाली जो श्रेष्ठते श्रेष्ठ है गीता माता गाई हुई है, जो द्वापर युग से पल्यूट की जाती है, तो सब की नजरों में चढ़ जाएगी। परंतु वो देवियां और उनकी सहयोगी शक्तियां जगत का उद्धार करने वाली साबित नहीं होंगी, वो सब डूबोने वाली साबित हो जाएंगी। जगत का उद्धार करने वाली तब साबित होंगी जब वे सच्चे बाप की सहयोगी बन जाएंगी, तब उनका मान मर्तबा सब खलास हो जाएगा, सबकी बुद्धि में बैठेगा एक सच्चा और बाकी सब झूठे। झूठे अर्थात अपवित्र, इनप्योर। सच्चे अर्थात पवित्र, प्योर। एक साबित होगा संसार में एवर प्योर, और बाकी सब नंबर वार साबित हो जाएंगे। और हाँ सूर्यवंशी होंगे सारे। हाँ जी, होने जब देव हैं तो देवताएं कौन से वंश में होनी चाहिए? नहीं ये फिर बाद में देवताएं जो है चंद्रवंश के होंगे, सूर्यवंश के होंगे, इस्लाम वंश के होंगे, बौद्ध वंश के होंगे, कौन से वंश के होने चाहिए? अभी सूर्यवंश के होंगे। सूर्यवंश ये बाद में कन्वर्ट होने ना होते जरूर कन्वर्ट होंगे। अगर बाद में कन्वर्ट ना हो आखिरी जन्म में तो ये बनेंगे आखिरी जन्म में बाप को नीचे गिरना है। नीचे गिरता है पति स्तंभ बनता है तो जो आठ देवताएं हैं वो पतित पने में नहीं जावेंगे क्या? उनको भी नीचे गिरना है। अगर अंधेरी रात ही जीवन में ना आई हो तो घोर सोझरा कैसे आ जाएगा? जो जितना ऊंचा उठता है वो उतना नीचे भी गिरता है, भले थोड़े समय के लिए गिरे। अभी चंबा जो है वो सिर्फ सबको वो इच्छा पूर्ण करती है सबकी। हाँ जी उसके लिए सिर्फ नहीं लगाया जाएगा, लक्ष्मी के लिए सिर्फ लगाया जाएगा। लेकिन जो लक्ष्मी है जिसको वैष्णवी लक्ष्मी जो है वो सिर्फ भले की इच्छा पूर्ण करती है। हैं? हाँ जी हाँ जी विष्णु देवता जो है वो देवताओं को तरज भी देता है। आप समझे नहीं, जब तक जगदम्बा और वैष्णवी दोनों मिलकर के स्वभाव संस्कार से एक नहीं होती है तब तक उनकी पूजा देवी के रूप में नहीं हो सकती। पूजा के निमित्त ही तब बनती है जबकि वो महालक्ष्मी बने। सिर्फ लक्ष्मी से काम नहीं चलता, माने जगदम्बा का स्वभाव संस्कार भी लक्ष्मी से मिलकर के एक हो जाए, लक्ष्मी का स्वभाव संस्कार मिलकर के जगदम्बा से एक हो जाए,
तब वो अनेक भुजा वाली वैष्णवी बनती है जो वहाँ दिखाई गई है। एक मुरली पॉइंट है ये तो, लेकिन जो सरेंडर हैंड्स है वो लोग तो यज्ञ के अंदर रहते हैं, तो इसका मतलब वो राजा ही प्राप्त नहीं करेंगे, बाकियों के लिए नहीं, यहाँ राजा ही भोग ली होगी, कहाँ राजा ही खत्म हो जाएगी, तो फिर वो मतलब सरेंडर नहीं होना चाहिए उनको। सरेंडर एक होता है कागज के ऊपर, एक होता है बुद्धि से सरेंडर, उनका अच्छा होता है। सब बातें खड़ा करो बाबा। एक बात और, संगम योगी लक्ष्मी नारायण भी सिर्फ आत्मिक स्थिति से ही मन बुद्धि के साथ साथ है, मतलब जो है वो मन बुद्धि से साथ साथ है, लेकिन जो वो योग बल में सतयुगी बच्चों को फिर जन्म कैसे देंगे वो? और एक प्रश्न हो रहा है, आपने बोला कि 2018 में कृष्ण का जन्म हो जाएगा, जो सतयुगी जो कृष्ण है, तो एक बात बीच में ये पॉइंट मुरली पॉइंट है, नहीं मतलब यज्ञ में जो भी है जो आप अपने और यज्ञ देवताओं का भी है, लेकिन जो देव आत्माओं का संगठन होगा, अध्यक्ष संगठन, उस सूर्यवंशी को ही वो प्रत्यक्ष होगी। और एक मुरली पॉइंट ये है कि जब तक सब आत्माएं परमधाम वापस नहीं जाती, बल्कि इकट्ठी वो वापस जाएंगी और फिर नीचे उतरेंगी नंबर वार, तो इसका मतलब 18 में संपूर्ण विनाश हो जाएगा, फिर तभी तो वो जन्म होगा। और कुछ आत्माएं शरीर छोड़ करके भी जा रही है। सिर्फ एक शंकर का गायना की वही कुछ सेकंड के लिए वो जाता है वहाँ पर, बाकियों के लिए तो गायना की नंबर पर आत्माओं को रुकना है सूक्ष्म बदन में, जब तक 5 करोड़ की दुनिया का विनाश नहीं होता है, तब तक सब आत्माएं सूक्ष्म बदन में, इतना बड़े विश्व का विनाश होना है, बड़े बड़े शहर जो है जिन्हें कहा जाता है राजधानियां, एक एक के ऊपर जब एटम बम गिरते रहेंगे तो कितनी आत्माएं सूक्ष्म शरीर धारण करेंगी, अकाले मौत मरेंगी। किसने कहा? ये तो आप कह रहे हैं, आपने समझ लिया कि 2018 में होगा, कहीं वाणी में तो नहीं बोला गया? 2018 में विश्व का विनाश हो जाएगा, ऐसा आपकी बुद्धि ने समझ लिया या कि कहीं बोला गया है? बाबा एक बात हो रहा है, हनुमान मंदिर मुरली में है कि शिव बाबा सिर्फ मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है और एक टेम्परेरी रथ में, लेकिन जो चित्र में त्रिमूर्ति के चित्र में मैंने खेत पर भी देखा है, क्या मूर्ति का चित्र है उसमें जो शिव बिंदु उसकी प्रवेशता एक तो मुकर्रर रथ में होगी टेम्परेरी रथ में, दो में उसकी प्रवेशता जो मानी जाएगी, जो बाकी 108 है या जो 8 है उसमें उसकी प्रवेशता नहीं बताएगी। नहीं कौन से चित्र है? देवों का चित्र बनाया हुआ मनुष्य मुरली ने बोला, मुरली ने बोला है मनुष्य ने ढेर के ढेर चित्र बनाए हुए माया की मत पर, माया की मत पर ढेर के ढेर चित्र बनाए, 12 में बनवाए हैं सिर्फ 4 चित्र, एडवांस किसी मनुष्य ने अगर बना दिए तो उसको एडवांस क्यों मिले? मैंने देखा था वहाँ पे, इसके पूछा मैंने जब तक उनकी आत्मा वो 2018 से पहले वो आत्मा कहाँ होती है? उनके लिए सूक्ष्म बदन बना रहेगा या उनके लिए सूक्ष्म बदन खराब हो जाएगा? हाँ उनके लिए, हाँ जब उनको निश्चय हो जाएगा तो प्रवेश करेंगी, उसके संग का रंग लगेगा या नहीं लगेगा?
हाँ ठीक है। जब संग संग्रह लगेगा तो वो भी रूप में चेत को प्राप्त कर लेंगे, जैसा बाप वैसा बच्चा भी बन जाता है। तो वो आत्मा बुद्धि रूपी क्षेत्र में प्रवेश करती है अठारह, और अठारह के बाद जब वो आत्मा बुद्धि रूप से जानेंगी राधा राम सीता राम सीता वाली, तो उनके साथ साथ वो भी आत्मा बुद्धि रूप से जानेंगे। बाबा ये मीठे मीठे सकीलड़े बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का जात प्यार और नमस्ते का क्या अर्थ है? माने बहुत सिक्र सिक्र से बहुत दिनों के बाद मिले हुए। हाँ। माने जो भी सूर्यवंशी बच्चे यदि के आज में बिछड़ गए थे वो लंबे समय के बाद अब तक भी मिलते जा रहे हैं, इसलिए सिकील दे हुए और मीठे मीठे तो मीठा स्वभाव संस्कार धारण करेंगे तो मीठे 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 भी होंगे। मीठा मीठा स्वभाव संस्कार धारण नहीं करेंगे सूर्यवंशी चंद्रवंशी बच्चे नहीं होंगे। इस्लाम वंशी बौद्ध वंशी क्रिश्चियन वंशियों का अगर छिलका चढ़ा हुआ होगा भले एडवांस पार्टी में तो मीठे मीठे होंगे, इसलिए मीठे मीठे होंगे। बाबा देवी बोल रहे हैं। और अच्छा मात पिता बाप दादा मात पिता तब कहा जाता है जब साकार शरीर से अलग हो, माता स्त्री चोला हो पिता पुरुष चोला हो, तो मात पिता तब कहा जाता है जब संपन्न रूप से संसार के सामने व्यक्ति के माता पिता के प्रत्यक्ष हो, इसलिए मात पिता। और बाप दादा बाप माने राम बाप दादा माने कृष्ण किशोर, दोनों एक ही शरीर से प्रत्यक्ष होती है बुद्ध रूपी क्षेत्र में किसी एक शरीर के द्वारा, इसलिए कंबाइंड बाप दादा कहा जाता है। जिन्हें भक्ति मार्ग में अर्धनारीश्वर के रूप में दिखाई दिया है। हाँ जी हाँ हाँ आपने कैसे समझिए जहाँ राधा कृष्ण का जन्म होगा जहाँ नरक होगा, नरक की दुनिया के बीच स्वर्ग का लड़का देता हूँ, नरक की दुनिया भी होगी लेकिन ऐसी दुनिया भी होगी जहाँ नरक के नारकीय जीवड़े जो है वहाँ पाँव नहीं रख सकते, वहाँ देव आत्माएं जो बनेगी वो ही प्रवेश कर सकेंगे, वो विकारों की जो विजय प्राप्त की होगी विजय माला के लड़के बने होंगे वो ही पाँव रख सकेंगे, दूसरों का बुद्धिमती पाँव भी नहीं कर पाए। तो दुनिया अलग और वो दुनिया अलग। अबू पूरा छोड़ना पड़ेगा क्या छोड़ो वाला क्या छोड़ो हाँ जी गीता पाठशाला वाला गीता छोड़ना पड़ेगा हाँ जी ज्ञान सरोवर वालों को ज्ञान सरोवर छोड़ना पड़ेगा हाँ जी तारा भी नहीं लगा देंगे कितनी इमरजेंसी आ जाएगी। जैसे वारंट निकलता है ना तो आदमी अपने सामान से सवाल कोई करता है, है? ऐसे ही तुम बच्चे केस को सुप्रीम कोर्ट में ले जा रहे हैं। अब कोई भी सुप्रीम कोर्ट है बड़ा कोर्ट तो बड़ा काम करेगा छोटा कोर्ट छोटा काम करेगा, आवाज तो निकलेगी है। जो बड़े बड़े अखबार हैं बड़े बड़े टीवी चैनल हैं बड़े बड़े रेडियो के सेंटर हैं जो बड़े आदमियों की बात मानेंगे या दुनिया या जो ब्राह्मणों की दुनिया के छोटे छोटे लोग हैं उनकी बात मानेंगे बड़े बड़े अखबार मानेंगे तो जरूर सुप्रीम कोर्ट भी होगा। एडवांस को खरीद करना पड़ेगा किसको करना पड़ेगा ये नहीं बताया, सिर्फ इतना बताया
कि आगे चल करके सारा ही आदमी खरीद करना पड़ेगा, नहीं तो इतने बच्चे हैं कहाँ आते भी रहेंगे। है आदि के लिए, आदि पर्वत के लिए बोला, नीचे के लिए थोड़े। आदि पहाड़ ऐसी जगह है जहाँ छोटा मोटा रहना कोई असर नहीं करेगा। पांडव भवन को आदि कहा जाता है ममता को? पांडव भवन को ममता भी कहा जाता है क्या? माउंट आबू तो उनका एक छोटा हिस्सा है। माउंट आबू तो बहुत बड़ा है, यहाँ दुनिया के जो उनके एरिया यदि। हाँ जी, तलहटी मैदान है, नीचे का हिस्सा है, उसके लिए थोड़ा ही बोला। चल गया तो फ्री है। हारा खरीदना पड़ेगा तो उसमें तो मकान आदि भी तो खरीदने पड़ेंगे। अभी मकान बनाना बहुत कॉस्टली है, क्योंकि मकान बनाने की परमिशन नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से, इसलिए मकान बहुत कॉस्टली हो गए। लेकिन जमीन सस्ती है, तो जिनके पास फालतू पैसा पड़ा हुआ है वो मकान खरीदेंगे, जिनके पास पैसा नहीं है जमीन खरीद, फिर भी थोड़ा बहुत है जमीन खरीद लेंगे। ज्ञान करो के साथ जो हम बैठे हुए हैं वो उसमें कुछ भी नहीं खरीदने जाएंगे। वो कच्चे मकानों का कितना कितना मार्ग है? पाँच लाख, चार चार लाख, जिनको देखने ही नहीं देने का। सुने हैं मुरली ने बोला, अभद्रवाणी ने बोला, ये बात अभद्रवाणी ने बोली, मुरली ने बोली। व्याख्या की कैसे तुम्हें बोली, कहाँ बोली? कैसे सोचते आते तो है ना, तो आप बोल रहे हैं कि त्रासी जन्म लेने वाले, लेकिन मुरली ने बोला त्रासी जन्म लेने वाले। त्रासी जन्म लेने वाले विधर्मी होंगे या स्वधर्मी होंगे? तो विधर्मी हो गए, वो तो बाबा के बच्चे ही नहीं बनते। और देह हनुमान साथ में ले जाते हैं मरते समय, कबर में गाड़े जाएंगे। जिनका पूरा देह हनुमान गल जाए, जल जाए, राख हो जाए, उनको जलाया जाता है। और जिनका संगन में देवान रह जाता है उनको मिट्टी में दबाया जाता है, देह हनुमान की मिट्टी, वो है त्रासी बिहार की कम जन्म लेने वाले, वो है कन्वर्ट होने वाले, दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं, दूसरे देशों में चले जाते हैं, धोखा दे जाते हैं। बाबा कहते हैं विनाश उससे कराता हूँ जिसको पाप नहीं है। हाँ जी, विनाश कराए और पाप लग जाए तो वो तो घाटे में जाएगा। हैं? पावर भी तो चाहिए इतनी, इसीलिए गीता में जो संस्कृत की गीता मनुष्य भी बने उसमें भी लिखा हुआ है, जो आत्मा की स्थिति में स्थित हुआ है 100% वो सारी दुनिया की हत्या कर दे तो भी उसके ऊपर कोई पाप नहीं लग सकता है। वो तो कहते हैं गोश्त आकर के प्रवेश करते हैं, वो क्या चीज है? गोश्त आकर के प्रवेश करते हैं, ये क्या चीज है? प्रवेश करते हैं, ये बताया है, गोश्त भी आकर प्रवेश करते हैं तो आत्मा हुई ना। ब्रह्मा बाबा प्रवेश करते हैं गुंजार राज्य में तो गोश्त नहीं हुए, है? आत्मा है, हर चीज कहा जाता है। मुसलमान लोग जो है फरिश्तों को मानते हैं, उनमें सबसे बड़ा फरिश्ता मानते हैं जबराइल, बहुत जबरदस्त है। कैसे खुदा के फरिश्तों ने खुदा का तत्व उठाया, आठ फरिश्तों ने, उन आठ फरिश्तों में जबराइल भी है,
रामायण दिखाते हैं कि राम सीता को कंधे को उठा लिए, राम लक्ष्मण को कंधे को उठा लिए नहीं करते थे, कौन? हनुमान जी। राम बाबू के पालने मेरे पड़े भी या ले चुके हुए राम राम वाली आत्मा तो एक ही है, लास्ट में आती है ना प्रत्यक्ष होकर, तो जिनके बीच में आकर के प्रत्यक्ष होती है तो किसका बच्चा हुई को वर्षा मिलता है त्रेता द्वापर सतयुग में, और बाकी वो वर्षा कहाँ से मिलता है, किससे मिलता है? दस करोड़ कम 500 करोड़ जो भी मनुष्य है आत्मा है उनको वर्षा कहाँ से मिलता है? राजा जी का कौन देने का निमित्त बनता है? शिव बाप तो देवताओं को 21 जन्म का वर्षा देने का निमित्त बनता है, 63 जन्म का तो निमित्त नहीं बनता। तो 63 जन्मों में इतने बड़े बड़े राजाएं, छोटे छोटे राजाएं हुए, उनको वर्षा देने का निमित्त कौन बनता है? नहीं, राम बाप ही बनता है। हर धर्म का राजधानी जमाने का काम राम वाले राम बाप वाली आत्मा का है। तो बाप दादा साथी हो जाएंगे, साथी हो जाएंगे वो तो सत्यम संहिता के पास ही, तो सदा साथी रहेंगे कि सदा साथी, साथी हो जाएगा वो सदा साथी थोड़ी रहेगा, आपको क्या पता है आप बता दो, उसमें तो आता है ब्रह्मा बाबा, ब्रह्मा बाबा आता है, शिव बाबा आता है, और किसी आत्मा को तीन आत्माओं की होती है पावरफुल होती है, कितना अनुदान हमें मिलता है ये होता है थोड़ा कुछ कहने लगी मेरे को, ऐसे चंद्र का नाम नहीं लेना और ऐसे ले हमारी गीता माता ला दे दी है, मैंने कभी बाबा जब देवी राजधानी स्थापन हो जाती है तो लक्ष्मी नारायण के लिए सिंहासन बन जाएगा, फिर वो सिंहासन पर बैठेंगे क्या? लक्ष्मी और नारायण बुद्धियों के साथ रहते हैं न कि स्थूल रूप में साथ रहते हैं, बुद्धियों के साथ राजकुमार के बच्चों को जन्म देने वाले हैं उनके लिए स्थूल सिंहासन की जरूरत है, बाबा मुरली में कह रहे हैं कि अब सोने का समय नहीं है, अब सोने का समय नहीं, अब जागने का समय है, तो ये सूर्यवंशी के लिए ही बोला है बाबा ना, जो चंद्रवंशियों के भी ये बोला है। बाबा पहले पढ़ाई किसको पढ़ाता है? सूर्यवंशी।
सूर्य है, सूर्य है, बच्चों को ही पहले पानी पाएगा, धन्यवाद को पाएगा। तो सूर्य इसी बच्चे में ही साफ करेगी आत्मा है। हाँ जैसे बच्चे मारने सबसे पहले मतलब तो है पवित्रता का पालन किया होगा तो पूजा उनकी होती है पवित्रता को धारण किया लेकिन कलयुग में पूजा होती है द्वापर युग में पूजा गणेश हनुमान जैसे पूजा नहीं होती कलयुग में पूजे जाते हैं अपने की पूजा होती है देवी की पूजा होती है अंत में हम रहे याद ला रहे देवता बन करके बैठ जाते हैं उन्होंने पवित्रता का पूजा पूछ लिया पालन किया है पूजा होती है यहाँ पूजा हो रही है क्या जो तथाकथित ब्राह्मण है वो उनकी पूजा करते हैं भगवान मान करके यही भगवान है तो दिन दादी जी का हत्या हो जाती है सच्चाई ही पता चलती देवी दादी जी दादी जी जाती और देवी है क्या देवता है पतित पावन तो है नहीं पतित पावन तो एक बात नहीं काली के गले में मिलने वाला इसलिए जितने इतने आचरण को मारती जाती है उनका देवगान खलास कर देती है और जो बुद्धि है आत्मा जो आत्मा रूपी लिंग है वो अपने गले में बैठा देती है और देव अभिमान सब खलास कर देती है गन्ना बाबा को बंद नहीं दिया पास्ट में भले नहीं दिया पास्ट में नहीं दिया लेकिन भविष्य में ब्रह्मा की सेवा जो है जो गीता का भगवान अपन को समझ करके बैठती है उसकी आंखें सभी खुलेंगी जिनके राधा बच्ची अडवाइसन आगे लेकर के सच्चाई के सामने रखेगी एक प्रैक्टिकल बल है एक होता है ज्ञान सुनने सुनाने का और एक होता है प्रैक्टिकल जीवन में धारण करने का तो दोनों माताएं जो है समझने समझाने के साथ साथ धारण करने और काम की भी करती है तो बराबर यदि ऐसे हजारों की तादाद में जन्म होने वाली कर अभी तो नाम रगड़ रगड़ करके निकल रहे हैं पावर पावर से होता है कुछ भी करने की दरकार नहीं मोहब्बत में मेहनत महसूस नहीं होती अंदर से मोहब्बत नहीं है बाहर से ढेर सारी मेहनत करते रहे बातें करते रहे मेगा प्रोग्राम करते रहे प्रदर्शन करते रहे सरकार में आवाज करने वाली नहीं है कितनी मेहनत की कितनी किताबें छपाई कोई मान रही है गीता तो होगा देश मालूम में भी अम्मा अम्मा जम्मा जम्मा करते करते अभी तक भी ना रहे चले गए कुछ नहीं है एडवांस में भी ऐसे है अम्मा 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 ही चिल्ला रहे बिगड़ आना चाह रहा है ये तो नहीं कहा कि अम्मा का आया हम लोग दादा जी तो बहुत होशियार है
बाबा जी बात तो पढ़ नहीं सकते, विजय माला का आवाहन करो, पूरी विजय माला निकले है। तीन मूर्तियाँ, ब्रह्मा विष्णु और शंकर, तो कितना कितना साल, एक मूर्ति और दो मूर्ति, तीन मूर्ति, कितना कितना साल में तस्वीर, ब्रह्मा और विष्णु तीन मूर्ति, ब्रह्मा विष्णु शंकर तीन मूर्तियाँ हैं, एक मूर्ति कितना साल लगा और दो मूर्ति कितना साल लगा। वाणिया चल रही है, वो सब सुन रही हो? हाँ नहीं सुन रहे, सुन रहे हैं। बार बार सुनते हैं क्या फायदा, अभी ढेर सारी वाणिया क्लैरिफिकेशन निकल चुकी है, टीवियाँ तैयार हो चुकी है, उनमें कम से कम सही देरों में ये बताया गया है कि तीन है मूर्तियाँ, तो तीनों का प्रवर्त में 30-35 साल का पार्ट है प्रत्यक्ष होने में। पहली मूर्ति का पार्ट खलास हुआ, मूर्ति कहा जाता है मूर्त साकार को, दूसरी मूर्ति का 69 से पार्ट शुरू हुआ और ये पार्ट भी 2003 में खलास होता है। खलास होने का मतलब ये नहीं कि वो मूर्ति खत्म हो जाती है, वो आत्मा अपना पार्ट वगैरह बंद कर देती है, नहीं, जैसे ब्रह्मा की मूर्ति आंखों से नहीं दिखाई दे रही है, अमूर्त हो रही, काम तो कर रही है ना, ऐसे शंकर की मूर्ति भी 2003 के बाद दुनिया वालों की नजरों से विलुप्त हो जाती है। वो 2000 में बोला है बतवाने में, बाप दादा दुनिया वालों की नजरों से विलुप्त हो गए और बच्चों के सामने प्रत्यक्ष हो गए। दूसरी मूर्ति का भी पाठ चल रहा है, दोनों मूर्तियां अभ्यक्त रूप में पाठ बजा रहे हैं, उन आंखों को दिखाई नहीं करती है, या तो उनको तीसरी आंख मिली हुई है उनको दिखाई पड़ रही है, ऐसे तीसरी मूर्ति वो अभी कार्यकाल चल रहा है, मैंने कुछ आत्माओं के सामने प्रत्यक्ष हो रही है, अपने को लिखी आत्माओं में प्रत्यक्ष हो जाएगी, पहले पहले पूरी है तो पहले सूर्यवंशी बच्चों के सामने प्रत्यक्ष होगा या दुनिया वालों के सामने प्रत्यक्ष होगा। ऐसे ही चंद्रवंशी की जो हेड है, विजयमाला की हेड, वो पहले चंद्रवंशियों के बीच में प्रत्यक्ष होगी या दूसरों के बीच में प्रत्यक्ष हो जाएगी, किसके बीच में पहले प्रत्यक्ष होगी? अरे सूर्यवंशी कृष्ण, चंद्रवंशी राधा, तो चंद्रवंशी राधा की प्रत्यक्षता रूपी जन्म पहले चंद्रवंशियों के बीच में होगा या सूर्यवंशियों के बीच में होगा? चंद्रवंशियों के बीच में पहले होगा, वो पहले समझेंगे ये राधा का पार्ट है, ये राधा सो नारायणी बनने वाली है, ये नारायणी का पार्ट है, दूसरे धर्म के लोग उतना नहीं समझेंगे। कहते हैं जब काम निकालना होता है तो गधे को भी बाप बना लिया जाता है, तो शंकर जी का काम क्या है, मुख्य काम क्या है, हैं? शंकर जी का मुख्य काम क्या है सारी दुनिया का? और वो विनाश खुद तो करते नहीं है, शक्तियां निमित्त बनती है, तो अगर कोई शक्ति में निमित्त बने कि सारी दुनिया के सारे असुरों का सफाया कर दो, खुश होंगे या दुखी होंगे, उन्हें चुप रहना चाहिए या नाराज होना चाहिए तुमने ऐसा काम क्यों किया, बिना क्यों कर लिया, चुप रहना चाहिए, आराम से सो जाते हैं, काम तो हो रहा है, पाँव रखा है, क्या हुआ पाँव रखा है, माना है कोई गाय है दूध दे रही है और लात भी मार रही है, तो दूध नहीं निकाला जाता है, तो ऐसे ही शंकर जी आराम से लेट जाते हैं, हमारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं, हमारा काम तो हो रहा है, शंकर द्वारा अगर विनाश दिखा रहे हैं तो उनके ऊपर दोष आ जा रहे हैं, विनाश कर दिया,
और स्थापना होती है तो माँ काली से चंडी का भूली है, चमार है, चोर है, चकार है, डकैत है, वो पूछते हैं चंडिका देवी काम कर रही है, सफाई तो कर रही है। दुनिया से कीड़े मकोड़ों की सफाई हो जाए और क्या चाहिए, फटाफट लक्ष्मी आ जाएगी कि सफाई होने से पहले आ जाएगी है? सफाई के बाद ही आएगी तो सफाई करने वाला चाहिए कि नहीं चाहिए है? अभी कहाँ सफाई शुरू, सारे ही तो बैठे हुए हैं है? जम्मू से जितने निकले उनमें से कोई 10-15 चौथाई आधों की सफाई हो गई क्या? हो गई आधों की सफाई, 10-15 ऐसे तो होता ही रहता है, जन्मते मरते रहते ही है। दुनिया में जन्म मरण कब नहीं हुआ है, ऐसे तो होता ही है सामान्य रूप से, लेकिन सारी सफाई हो जाए। अरे विनाश पहले घर से शुरू होगा या बाहर की दुनिया से शुरू होगा? तो घर है फिर ब्राह्मणों का, ब्राह्मणों में बीज रूप आत्माओं का घर। जो नई दुनिया बनेगी वो थोड़ों की बनेगी या जो ढेर के ढेर हजारों निकले हुए हैं एडवांस पार्टी में उन सबकी इकट्ठी बन जाएगी है? थोड़ों की बनेगी। ठीक है, टाइम हो गया।